नमस्कार। आज मैं अपने यूनिट 2.2.3 जो विषय पीएमई 301 में है, सहकारी संगठनों से संबंधित, उसकी चर्चा करूंगा। उसी के संबंध में ये लेक्चर आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। हमने देखा कि एकल संगठन कैसे होते हैं, और कल हमने अपनी ई लेक्चर की क्लास में देखा कि साझे वाले बिजनेस संगठन किस प्रकार के होते हैं। आज हम देखेंगे सहकारी संगठनों के बारे में। सहकार का अर्थ है एक साथ मिलकर काम करना, सबका साथ, सबका विकास, सब एक के लिए, एक सबके लिए। यह बिल्कुल अलग तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अब तक जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हमने देखे हैं, संगठन देखे हैं, उनके अंदर पूंजीपतिवाद होता है। कोई आदमी बहुत अच्छी पूंजी लगाता है, वो अच्छा बड़ा बिजनेस, और छोटी पूंजी वाले का उसमें अस्तित्व बहुत मुश्किल हो जाता है। पर सहकारी संगठन एक अलग तरह की अवधारणा है। सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत किसी भी सहकारी संस्था का गठन किया जाता है। यह मिलजुल कर काम करना, बिजनेस करने की सोच के साथ बनी हुई चीज है। कोई लोग हैं, छोटे दुग्ध पालक हैं, खेती करने वाले हैं, कपास बनाने वाले हैं, वो मिलके एक समिति बनाते हैं जिसको कहते हैं सहकारी समिति। इस समिति के सदस्य कितने भी हो सकते हैं, सौयों, हजारों, लाखों, कोई ऊपरी सीमा नहीं है। और उन सभी सदस्यों को एक बहुत छोटी राशि अपनी पूंजी सदस्यता की उसमें जमा करनी होती है। वही मालिक भी होते हैं, वही उसमें कामगार भी होते हैं, और वही मिलकर उसका प्रबंधन भी चलाते हैं। यदि समिति के सदस्य बहुत अधिक हो जाते हैं तो वो मिलकर एक सहकारी समिति के अंदर पदाधिकारियों का चयन करते हैं। उसके इलेक्शंस भी हो सकते हैं और वो मनोनीत भी हो सकते हैं। उसमें सरकारी सदस्य भी मनोनीत होते हैं, प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, सेक्रेटरी आदि का वो चयन करते हैं, और वो इसके कामकाज को सुचारू रूप से चलाते हैं। कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है। जाति, धर्म, लिंग, आयु, कोई का इसमें औपचारिकता में नहीं फंसने की जरूरत। सिर्फ 18 वर्ष से ऊपर हो, वयस्क हो, और वह सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है। इसका जैसे ही पंजीकरण होता है इस अधिनियम के तहत, इसका वैधानिक अस्तित्व आ जाता है। ये संस्था सरकार की निगाह में, कानून की निगाह में अपनी उपस्थिति दे देती है। इसके सीमित दायित्व होते हैं। सीमित दायित्व, हमने अनलिमिटेड लायबिलिटी अपने पिछले दो यूनिट्स के अंदर देखी थी। इसके अंदर आपका जितना हिस्सा है, जितनी आपने पूंजी लगाई है, सिर्फ वही विलुप्त हो सकती है। उससे अधिक आप पे देनदारी कभी भी नहीं आएगी। यदि आपका हिस्सा राशि 1000 रुपए है तो वो 1000 रुपए डूब सकते हैं। असीमित आपकी कोई देनदारी नहीं बनती है। इसका नियंत्रण वही सदस्य करते हैं जिन्हें आपने सहकारी समिति में टॉप के ऊपर चुना है। यह एक सेवा भावना की दृष्टि से की गई चीज है। मुनाफा कमाना या बहुत अधिक लाभ करना, पूंजीपतिवाद करना, यह इसका लक्ष्य नहीं है। इसमें जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे उसका एक छोटा हिस्सा हो, चाहे उसका हिस्सा बहुत वृहद राशि का हो, तो भी उसके वोट का जो मूल्य है, जो सहकारी समिति के चुनाव में है, वह एक ही होगा। जैसे हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, चाहे गरीब का वोट हो, चाहे अमीर का वोट हो, चाहे किसी भी व्यक्ति का वोट हो, वो बहुत ज्ञानी हो सकता है, अनपढ़ हो सकता है, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, उसका वोट एक ही होता है। तो इसी तरह सहकारी समिति के अंदर भी हर व्यक्ति के वोट का मूल्य समान होता है और वह एक होता है। इसमें स्थायित्व होता है। कोई सदस्य
बीमार हो जाए, अपंग हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, मानसिक रूप से वह स्थायी नहीं रह पाए, तो भी इसका अस्तित्व बना रहता है और देनदारियों के प्रति जो अन्य सदस्य हैं उनकी जिम्मेदारी बनी रहती है। एक सदस्य के साथ कुछ हो भी जाए तो इसका जो लेन देन के सौदे हैं समिति के, वो कानूनी रूप से चलते रहेंगे, कहीं दायित्व देने या लेने में कोई समस्या नहीं आएगी। इसको सरकारी सहायता मिलती है क्योंकि सरकार खुद चाहती है कि इस तरह के संगठन बने जिसमें बहुत सारे लोगों का सामाजिक कल्याण हो, उनकी आय में वृद्धि हो, उनके जीवन स्तर में सुधार हो और इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी जो है वह भी सरकार अन्य बिजनेसेस के मुकाबले कम लगाती है। इसका अस्तित्व में आना भी बहुत ही आसान होता है। आपने इसका पंजीयन कराया और आप उसके निर्धारित जो प्रपत्र हैं वो भर के दें, सदस्यों के नाम दें, बैंक खाता खोलें उसकी आप डिटेल्स दें और कुछ टैक्स के लिए अन्य रजिस्ट्रेशन कराएं, आपकी सहकारी समिति जो है वो बन गई। सहकारिता विभाग सभी राज्य सरकारों के अंदर एक अहम विभाग होता है। इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। एक तो इसके पास सीमित संसाधन होता है, जो बहुत ज्यादा पूंजी की कंपनीज होती हैं उनके मुकाबले में इसके संसाधन सीमित होते हैं। प्रबंधन में भी हम देखते हैं कि आजकल इसमें राजनीति आ जाती है, कई बार वोट की जो राजनीति आती है उसकी वजह से अकुशल लोग भी इसमें जीत जाते हैं और वह प्रबंधन को उस तरह से नहीं चलाते जिस तरह से जो इसकी भावना है सहकारिता की हमें दर्शाती है। इसमें गोपनीयता की कमी होती है, जितने भी बिजनेस डिसीजंस होते हैं, अकाउंटिंग डिसीजंस होते हैं, वो मिलकर लिए जाते हैं और पारदर्शी तरह से सबको समझा के बता के मीटिंग्स के दौरान किए जाते हैं। इसमें सरकार का भी नियंत्रण रहता है, आपको खातों का अंकेक्षण कराना पड़ता है, खाते संबंधित कई नियम हैं उसका आपको ऑडिट कराना होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा और उनको आपको पारदर्शी रूप से भी लोगों को दिखाना होता है। उसकी एक कॉपी सहकारिता विभाग को भी दी जाती है ताकि उसे उन बही खातों में हिसाब किताब में यदि कुछ अनियमितता लगती है तो सरकार भी उन खातों की जांच कर सकती है। बहुत सारी सहकारी संस्थाएं हैं हमारे देश के अंदर, कई ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे देश में सहकारी बैंक भी हैं। जब भी हम सहकारिता की बात करते हैं तो एक नाम बहुत ऊपर आता है, ध्यान में आता है और वो है अमूल। अमूल का मक्खन, दूध, अन्य दुग्ध पदार्थों के बारे में आपने देखा होगा, सुना होगा, प्रयुक्त भी किए होंगे। अमूल शब्द बना है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड से। आनंद एक शहर है गुजरात के अंदर। तो सरकार ने और कुछ लोगों ने जो डेयरी उत्पादक थे उन्होंने सोचा कि दूध ऐसी वस्तु है जिससे किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है। उन्होंने दूध का संकलन, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग या उसको और रूपों में परिवर्तित करने का कार्य किया और उससे दूध से प्रशीतन करके टेट्रा पैक्स में, पैकेट्स के अंदर, और घी, मक्खन, पनीर और आइसक्रीम्स का भी उत्पादन शुरू किया। और आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो अमूल है वो कितना फेमस नाम है, आपने भी उसके विज्ञापन देखे होंगे, उसकी उपस्थिति आपके पास भी दर्ज होगी। आज उसकी वजह से लाखों महिलाओं और किसानों को जो दुग्ध उत्पादक हैं उनकी आय में बहुत वृद्धि हुई है और उनके जीवन स्तर में अमूलचूल परिवर्तन भी हुआ है। कई उपभोक्ता सहकारी समितियां भी होती हैं, वह रोजमर्रा की चीजों को सस्ते दामों पर क्रय करती हैं और उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराती हैं, कुछ लोगों को रोजगार भी इस व्यवस्था में मिलता है। सहकारी बैंक भी होते हैं जो कमर्शियल बैंक्स के मुकाबले लोन्स देते हैं विशिष्ट श्रेणी के लोगों को, कुछ सरकारी योजनाएं भी वो चलाते हैं। कुछ सहकारी समितियां
जो होती हैं वह ऋण देने के लिए ऑफिसेस के अंदर, परिसरों के अंदर कार्य करती हैं। कुछ आवास समितियां होती हैं जो भूमि खरीद कर और अपने मेंबर्स के अंदर भूमि को डिवाइड करती हैं, कॉलोनियां बसाती हैं या मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट्स का भी निर्माण करती हैं। तो यह है सहकार और सहकारी समितियों के बारे में एक छोटी सी प्रस्तुति। धन्यवाद।